रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में जॉब्स का ऐलान कर दिया गया, जिसमें डिफरेंट पोस्ट का ऐलान किया गया। नंबर वन पे मैथ्स ऑफिसर है, जिसकी एक वैकेंसी है और इसके लिए क्वालिफिकेशन हो बीए बीएससी बीएससी न्यूट्रिशन एफए एफएससी विद डिप्लोमा न्यूट्रिशन, और इसकी एज लिमिट 18 to 33 ईयर्स। दूसरे नंबर पे असिस्टेंट, जिसका स्केल 15 है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके बीए एफए होनी चाहिए और एज लिमिट आपकी 18 to 30 है। नंबर तीन पे कैशियर है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन बीकॉम बीए सीकॉम एफए और एज लिमिट आपकी 18 to 30। नंबर फोर कंप्यूटर ऑपरेटर, बीसीएस बीसीएससी आईसीएस कंप्यूटर साइंस और एज लिमिट इसके लिए 18 to 30 है। नंबर फाइव पे टेक्नीशियन, एसी इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन बीए एफए एफएससी आईसीएस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसके लिए आपकी ए लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। नंबर सिक्स पे लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन एफए या मैट्रिकुलेशन विद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, एज लिमिट 18 to 30। कुक नंबर सेवन पे, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और एज लिमिट 18 to 30 है। नंबर एट गैस टेक्नीशियन, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए वेल्डिंग या गैस वर्क में, 18 to 30 इसकी भी एज लिमिट। नंबर नाइन पे इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए भी आपकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन 18 to 30 एज लिमिट। 11 पे प्लम्बर, इसके लिए भी आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। और इसके बाद कारपेंटर मैट्रिक, डुप्लीकेट मशीन एफ ए मैट्रिक, इसके लिए एज लिमिट भी 18 to 30। नंबर थ्री ड्राइवर, इसके लिए भी आपका मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 to 30 ईयर आपकी एज लिमिट। नंबर 14 पे वेटर की, इसके लिए आपकी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, 18 to 30 ईयर एज लिमिट। ओवन मैन, इसके लिए प्राइमरी एजुकेशन। नंबर 16 माली, 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद नाइपका से प्राइमरी एजुकेशन। 18 पे खाक्रॉप, 2 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 19 चौकीदार, जिसके लिए भी आपके पास 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके लिए एज लिमिट 18 to 30 ईयर है। जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है इसमें, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। एज रिलैक्सेशन रूल के मुताबिक होगी, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, साथ सीएनएससी के भी तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके नीचे जो एड्रेस दिया गया डायरेक्टर स्टाफ वाला, इस पर आपने सेंड करना है। जो कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो अलहदा अप्लाई करेंगे, अलहदा लिफाफे में एप्लीकेशन भेजेंगे। इस तरह शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है उनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लास्ट डेट इसकी 13 जुलाई है। आज के लिए यही था नेशनल इंस्टीट्यूट की जॉब जो आपके साथ शेयर कर दी है। अल्लाह हाफिज़।